नमस्कार दोस्तों, आज है 21 फरवरी है और इस समय जो है बिल्कुल टाइम चल रहा है प्रूनिंग का, रिपोर्टिंग का, फर्टिलाइज़र देने का अपने जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब में। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ ना आपको, वो मैं आपको अपने टिकोमा प्लांट पे फर्टिलाइज़र दूंगी और उसकी प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि उसके लिए ना मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मेरा जो प्लांट है वो बहुत ही छोटा है, तो उसको मैं क्या प्रून करूं या नहीं करूं। तो वीडियो बिल्कुल मैं शुरू कर रही हूं, उसके पहले आपको मैं अपने थोड़े से सुंदर सुंदर से फूल खिल दिखा दूं, क्योंकि ये बड़े अच्छे लग रहे हैं और इनको तो दिखाना बनता ही है। ये सब देखिए, ये सारे के सारे सब सीड से ग्रो किए हुए हैं प्लांट हैं, ये सब सीड से हैं सारे के सारे, ये भी सब सीड से लगाया हुआ प्लांट है। तो चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों ये है मेरा टिकोमा का प्लांट है और पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो इसमें बहुत फूल, ऑरेंज कलर का है ये वाला, इसमें बहुत बहुत फूल आए हैं। काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा ये, और देखिए फूल का आपको मैं बताऊं तो ये जो जगह देख रहे हैं ना, इस ये सब चीज़ें जो सूख रही है ये, तो इसी में सब में पूरा फूलों से ये बिल्कुल भरा हुआ था। ये पूरे साल भर फूल देने वाला प्लांट है, बस ये है कि दिसंबर जनवरी में ये एकदम वो हो जाता है, बिल्कुल ये मतलब पत्तियाँ ग्रोथ रुकी रहती है, लेकिन एक बार आप लगा लोगे ना तो मन, मतलब मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं मेरे गार्डन में जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनमें से ये एक है। अच्छा अब आपको मैं बताऊँ, यहाँ में अगर आप देखिए छोटी छोटी सी नई नई सी पत्ती आ रही है, एकदम नई लीव्स आ रही है, ठीक है। तो अब इसका ग्रोइंग पीरियड बिल्कुल शुरू हो गया है और ये रहेगा, मतलब अभी नहीं है कि ये जैसे कोई अभी बस ग्रोइंग है, तो बरसात में तो बहुत फूल आएंगे, पूरा पूरे जैसे आते ही रहते हैं इसमें फूल। तो अब जो ये डेड हो गई हैं ये देखिए, अच्छा आपको ऐसे बताती हूँ, देखिए ये देखिए ऐसे हमने इसको देखा ना, ये एकदम ये देखिए ऐसे ऐसे सूख रहे ना। आवाज़ अगर आप सुन रहे होंगे, क्योंकि वीडियो बिल्कुल एडिट मेरे नहीं रहते हैं, ये देखिए तो एकदम क्लियर इसकी आवाज़, एकदम लकड़ी है, एकदम ब्राउन है, एकदम सूख गई है। तो इसमें तो कोई वो नहीं आएगा, इसमें कोई फूल नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप की जो ये बची हुई है ना ब्रांचेस, इसमें फूल नहीं आएगा। ये सब जो डेड है, एकदम डेड हो चुकी, सूखी हो चुकी हैं। अब तो बताऊँ मैं आपको, मैं ये सब भी फेंकूँगी नहीं, ये सब भी मेरे सब इधर उधर यूज़ ही हो जाएंगी। तो ठीक है, तो इस टाइप की जितनी ब्रांचेज हैं उनको मैं सबको हटा दूँगी। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपने बोला मेरे पास जो कमेंट आया था, अगर हम उसकी बात करें कि बहुत छोटा सा प्लांट है, तो छोटा सा है तो आप थोड़ी सी ना मान लो कि इसमें तो बहुत सारी जैसे स्टेम्स आप देख रहे हैं इधर इधर सब है, क्योंकि ये पुराना है। अच्छा एक इससे मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये जो मेरा प्लांट देख रहे हो ना, ये मैंने एयर लेयरिंग से इसको प्रोपोगेट किया है, मतलब मेरा ये इसका मदर प्लांट ये है और इसकी जैसे घुट्टी बांधना बोलते हैं ना जिसको, उससे मैंने तैयार किया, कटिंग से नहीं घुट्टी बांधना। वो उसमें खैर वीडियो बनाया नहीं था मैंने, एक शॉर्ट में आपको दिखा दिया था। इसको मैं रिपोर्ट करूँगी, अभी नहीं करूँगी, इसको बाद में करूँगी, बस आपको दिखा रही थी। तो अब मान लो ये छोटा सा है, ठीक है, दो ब्रांच यहाँ से वैसे ही दिखाई दे ही रही है, ये दिख रही है, तो अभी रहने दीजिए इसको, बस थोड़ा सा जैसे कि ये सूखी पत्तियाँ वत्तियाँ हैं इसको हटा दीजिए, और जहाँ पे फूल आ चुका है जैसे कि मान लीजिए ये देखिए सूख रहा है जो, तो इसको हटा दीजिए। अब आपको मैं बताऊँ ये नहीं हटाना है, देखिए मैं इसको घुमा रही हूँ ना, तो ये नहीं टूट रहा है, इसलिए नहीं टूट रहा है ना क्योंकि ये हरी होगी। अभी देखिए, अच्छा मैं आपको निकाल के, ये देखिए ये कोई चीज़ सूखी होती है तो वो फट से टूट जाती है, ये देखिए नहीं हो रहा है, ये देखिए अंदर से ना, तो इसमें फूल आएगा जिसमें हल्का सा सॉफ्टनेस रहती है, सॉफ्ट है, उसके बाद इसमें हरापन है। तो इस टाइप की ब्रांच को आप हटाइए अगर आपका प्लांट जो बहुत छोटा है तो। बाकी हम प्रूनिंग इसलिए भी करते हैं कि नई नई ब्रांचेज आ जाती हैं और उस पर जब टिप पे ही हमेशा जो है फूल निकलता है। देखिए जैसे मैंने ये चमेली का मैंने बहुत पहले कर दिया था, तो ये सब नई पत्तियाँ हैं और ढेर सारी इसमें से ब्रांचेज निकल रही हैं यहाँ से सबसे, और इसी में सब खूब फूल आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो सूखी सूखी सी है बस उसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे नई पत्ती दिख रही है, इस जगह से ग्रोथ अगर हो रही है तो हटाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पत्ती निकल आएगी, आप एक शेप दे सकते हैं। तो ये अपने आप, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो मैं इसको थोड़ा सा सब तरफ से कट कर दे रही हूँ, क्योंकि
अभी तो हम कर देंगे ना तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाएगी। प्रूनिंग तभी करनी चाहिए जब ग्रोइंग पीरियड हो, किसी भी प्लांट का जब ग्रोइंग पीरियड होता है तो हम प्रूनिंग हमें तभी करनी होती है। चलिए ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा जैसे डबल चांदनी का प्लांट है, अब इसमें क्या है ना, ये कलियाँ आने लगी हैं, तो अब मैं थोड़ा ना इसको प्रून करने में लेट हो गई हूँ। अब इसको अब कहाँ, इसमें सिर्फ खाद दे दूँगी बस। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सब नई पत्ती आ गई और यहाँ पे ये बड भी आ गई, तो अब इसको तो खैर प्रून नहीं करूँगी। जिसमें बड दिख रही है तो उसको प्रून नहीं कर सकते हैं। और कभी भी ना किसी भी प्लांट की हाइट को बहुत कम मत कर दीजिएगा, जो मेन उसका जो स्टेम जा रही है उसको कम से कम इतना रखिए कि, क्योंकि जो वो बड़ा रहना चाहिए जितना हाइट आपका प्लांट है। बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे ना तो वो दिक्कत होगी, तो अगर छोटा प्लांट है तो उसको फिर आप देख समझ के करिए, बहुत ज़्यादा काट कूट के मत रख दीजिए। और अब ये देखिए, मैंने ना मिट्टी डाली नहीं है, सॉरी इसमें पानी नहीं डाला है काफ़ी समय से, तो मिट्टी एकदम सूखी है। अब यहाँ से मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूँगी, इतनी मिट्टी पहले इधर से हटा दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद इसमें बस खाद दे दूँगी। ये देखिए, इसकी मिट्टी मैंने यहाँ से ऐसे हटा दी है। अब ना जो ये खाद है बिल्कुल नॉर्मल खाद है, आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद हो ना तो आप वो भी डाल सकते हो, और नहीं तो कंपोस्ट जो है वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं, जो भी मतलब हो आपके पास आप बस ऐसे करके साइड साइड में डाल दीजिए ऐसे। ये देखिए, ऐसे करके मैंने दो मुट्ठी डाला, अब ये तीन हो गई और इधर हो गई चार और ये पाँच, करीब ये हो गई छः मुट्ठी करीब के, ऐसे करके हो गई। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे डाल दिया और ये इतना अच्छा प्लांट है कि इसको ना कोई मतलब ये नहीं कि बहुत फर्टिलाइज़र हर वक्त देना पड़े। और ये जो मिट्टी निकाली थी ना, ये देखिए इसके ऊपर से ऐसे डाल रही हूँ बस इस तरीके से। तो मंथ में बस एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे मैं ऑल पर्पज़ वाला बनाती हूँ जो किचन विचन वेस्ट वाला, वही दे देती हूँ। तो अब देखिएगा इतने बढ़िया, ये इतना अच्छा प्लांट हो जाएगा, इतना फूल। और मैं स्क्रीन पर ना इसकी जो मेरे पुरानी वाली फ़ोटो है वो मैं पिक्चर इसकी दिखा दूँगी। और जो भी जैसे आप कोई कटिंग कर रहे हो ना तो इस टाइम कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस जैसे अभी एक बार खाद दे दिया, बस दे दिया, अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अब इसमें पानी खूब अच्छी तरीके से डालना है कि ड्रेनेज होल से पानी जो है वो बाहर आ जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको पानी भी नहीं है कि बहुत हर समय सुबह शाम देना हो, मतलब अब जैसे ठीक है। चलिए अब मैं इसमें पानी दे देती हूँ। कल मैंने ना गुड़हल को रिपोर्ट किया था, आप एक वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर मैंने एक और गुड़हल किया था और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो उसको यहाँ रखा था शेड में, कल उसमें बड थी और ये देखिए आज खिल गया इसमें। अब जो है ना नेक्स्ट नंबर है अलमंडा का। अलमंडा भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस अलमंडा में भी खाद दूंगी और इसकी तो खैर प्रूनिंग अच्छे से करनी है। वाइन वाली भी वेराइटी है और ये भी, ये दोनों ही है। देखिए पानी अभी तक ना नीचे नहीं पहुँचा, अभी हम पहली इतने दिन से ये सूखा हुआ था बिल्कुल, इसमें दिया ही नहीं था मैंने पानी, मैं खाद की वजह से रुकी थी कि खाद देना है ना। तो फिर चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये मैं आपको वही वाला अपना दिखा रही हूँ, इसको जो है पिटूनिया जो एकदम ख़राब हालत में हो गया था, बिल्कुल मरने वाला था, और ये दूसरा, दो मरने वाले थे बिल्कुल, और ये देखिए ये भी सही हो गए। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए मेरी गार्डन में ना, मैं हमेशा से बोलती हूँ दोपहर में बहुत सारे भंवरे रहते हैं मेरे गार्डन में, बहुत बहुत रहते हैं।